आपके अपने चैनल स्पोर्टिंग लिस्ट में मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ही क्लास जो है कॉमन ईयर का क्लास होने जा रहा है, यानी कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉमन ईयर। जी हाँ दोस्तों, क्लास को ध्यान से देखना चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं। और आज का रूल जो है वो कंजक्शन बेस्ड रूल्स है। अक्सर मैं देखता हूं कि जब कॉमन ईयर की बात आती है तो कंजक्शन बेस्ड जब कॉमन ईयर आपके सामने आता है तो कंफ्यूज कर जाता हूं। इस क्लास को ध्यान से देखो और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को मैं अभी दूर करने वाला हूं। दोस्तों चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए मैं ले चलता हूं आपको आज की क्लास की तरफ। तो स्क्रीन पर देखो आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन पे चलूंगा, क्वेश्चन डील करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। मैं रूल यहां पर आपको बताने वाला हूं, ये ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा अनलेस और मैंने लिखा अंटिल। मैं आपको बता दूं कि अनलेस अंटिल ऐसे शब्द हैं जो निगेटिव वर्ड्स हैं और इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता। अगर आप अनलेस और अंटिल के केस में नॉट लगाओगे तो सेंटेंस को गलत कंसिडर किया जाता है। जैसे सेंटेंस का छोटा सा पार्ट देखो, एक सेंटेंस का पार्ट है अनलेस सी Does not have a car, ऐसा कुछ भी आ जाए सेंटेंस में तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। मैंने अभी अभी बताया, जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैनॉट यूज नॉट इन द केस ऑफ अनलेस एंड अंटिल। यू कैन सी दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो कि अनलेस भी लगा हुआ है और यहां पर नॉट लगा हुआ है, तो आपको नॉट यहां से हटाना पड़ेगा। यानी जब इस सेंटेंस को आप करेक्ट करोगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस, क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका अनलेस सी हैज ए कार। अब एक सवाल उठेगा कि हैज कैसे आ गया। एक्चुअली जब यहां से नॉट आप हटाओगे तो डज भी तो नॉट के लिए आया है तो डज भी हट जाएगा, तो अब हैव बच गया। तो क्या सी के साथ हैव लिखा जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन राइट हैव विद सी। इसलिए हमको यहां पर क्या लिखना पड़ता है, सो वी हैव टू राइट योर हैज, सो आवर सेंटेंस इज हियर अनलेस सी हैज ए कार। तो आप इतना याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर दिस दैट Whenever you have unless and until, you cannot use not with these two words. अब इन दोनों शब्दों के साथ not का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप सेंटेंस देखिए जो आपके सामने पहले से स्क्रीन पर, मैं एक बार सेंटेंस को पढ़ता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एरर है कहां पर। एक्चुअली सेंटेंस है द ओल्ड वुमन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्यूर्ड अनलेस सी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, सेंटेंस में देखो आप सी पार्ट में देखो क्या लिखा गया है, अनलेस सी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव। क्या सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हो आप? क्या अनलेस के साथ नॉट का यूज कर सकते हो? तो यहां से नॉट को हटाना पड़ेगा, यानी जब नॉट हटाओगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस सी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव। तो अब सवाल उठता है कि आपका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, चूंकि एरर किस पार्ट में लाई करता है, सी पार्ट में लाई करता है। तो आप जैसे ही नॉट को हटाओगे, नॉट को हटाओगे तो डज भी हटेगा, डज हटेगा तो हैव हैज में तब्दील हो जाएगा, यानी आपका सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। तो दोस्तों कॉमन ईयर पर आसान है, आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो रेगुलर प्रैक्टिस के आधार पर बड़ी आसानी से आप सेंटेंसेज में एरर को पहचानना सीख जाते हो। तो चलिए मैं ले चलता हूं अब आपको आपकी अगले क्लास की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, माय बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माय रूम टिल यस्टरडे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक शब्द होता है सिंस, आपको पता है, और एक शब्द है फॉर। यह भी आपको पता है कि सिंस का प्रयोग आप कहां पर करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पर करते हो, और फॉर का प्रयोग आप कहां पर करते हो, फॉर का प्रयोग आप करते हो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो, यह तो आपको पता ही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आप लगाते हो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम में आप लगाते हो फॉर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो आप क्या लिखते हो, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आप ऐसा करके लिखते हो सेंटेंस में। या फिर मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं तो आप क्या लिखते हो, आई हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। आप ऐसे करके सेंटेंस लिखते हो, सब कोई लिखते हैं, लेकिन समस्या क्या है यहां पर, क्या ऐसे सेंटेंस को कभी ऐसा आप लिख सकते हो, आई हैव बीन रीडिंग टिल टू आवर्स, सॉरी टिल मॉर्निंग। Can you write this type of sentence? क्या आप सेंटेंस को लिख सकते हो? कभी नहीं, never. We cannot write this type of statement. We have to write this type of statement. आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां पर? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे हो। यानी एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं कि एरर कहां पर लाई कर रहा है। सेंटेंस है फिर से, माई बुक हैज बिन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। टिल यस्टरडे कैनॉट बी रिटन, टिल यस्टरडे यहां पर नहीं लिखा जा सकता। द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट विल बी रिटन, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सिंस यस्टरडे। जैसे ही आप सिंस यस्टरडे लिखोगे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। तो दोस्तों आप सवाल उठता है कि आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर होगा सी, यानी एरर किस पार्ट में लाई कर रहा है, तो सी पार्ट में लाई कर रहा है। तो बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हो। दोस्तों अब मैं ले चलता हूं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ूंगा, एरर भी डिटेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ रूल्स को देख लो। एक शब्द होता है बिटवीन, और बिटवीन के साथ जो कंजक्शन आता है वो होता है एंड।
कभी कभी आपको मिलेगा क्या कि बिटवीन के साथ टू कंजक्शन का यूज किया मिल जाएगा जो कि गलत है। बिटवीन के साथ आपको क्या यूज करना है, एड यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम टू श्याम। अब एक बार मुझे बता दो क्या सेंटेंस वैसे लिख सकते हैं आप, कैन राइट? नो, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। यानी मैंने क्या बोला अभी कि बिटवीन के साथ आप एंड का यूज करते हो, टू का यूज आप कभी भी नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन टू टू थ्री। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन टू टू थ्री। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि बिटवीन के साथ किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, एंड का। यहां पर क्या लिखा गया, टू, जो कि गलत है, इसलिए आपको टू को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड से। जैसे ही आप टू को एंड से रिप्लेस करोगे आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। अब सवाल उठता है कि एरर कहां पर है, दोस्तों यह एरर सी पार्ट में, यानी कि आपका आंसर एक बार फिर से क्या होने जा रहा है, सी आंसर होने जा रहा है। आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया और बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हो। यहां दोस्तों अब मैं लिख सकता हूं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार स्क्रीन पर। तो सेंटेंस चलने सेंटेंस पर चलने से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो, मैं एक बात आपको बता देता हूं। एच प्लस ए वन प्लस एच, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर सो प्लस ए वन प्लस एच। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटेंस के दोनों तरफ अगर एच है तो बीच में ए वन आएगा। अच्छा, आप किसी भी एच को मिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर राम इज एज गुड एज श्याम, एक सेंटेंस है। आप ऐसी सेंटेंस को अच्छे से जानते हो और इसका मतलब होता है कि राम श्याम की जैसा अच्छा है। राम इज एज गुड एज श्याम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज राम श्याम की जितना अच्छा है, मतलब जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा कौन है, श्याम है। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है इसको समझने की कोशिश करो। कभी कभी सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा राम इज एज गुड श्याम, अब इस सेंटेंस को देखो और आपको लग रहा है यहां पर क्या मिसिंग है, जहां दोस्तों यहां पर एज मिसिंग है। ऐसे सेंटेंस नहीं लिखे जा सकते हैं, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस टाइप स्टेटमेंट। द क्वेश्चन अराइज इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन बी राइट, वी कैन राइट राम इज एज गुड एज श्याम और इट्स राइट स्टेटमेंट, ये हमारा सही सेंटेंस है। तो क्वेश्चन देख करके आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। He is as clever if, ध्यान से देखो, he is as clever if, is it possible? It's not possible. तो error क्या है, तो clever के पहले as है लेकिन clever के बाद as नहीं, तो clever के पहले as और clever के बाद as नहीं, इसलिए आपको clever के बाद as देना पड़ेगा। अतः आपका sentence हो जाएगा he is as clever as, what will be your sentence, your sentence will be he is as clever as। तो अब सवाल उठता है कि आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों आंसर आपका ए पार्ट में है, आपको आंसर मिल गया, आपका आंसर ए हो जाएगा। तब इसमें इंप्रूवमेंट करने की बात आएगी, तो जिस प्रकार क्लेवर के पहले एज दिया हो, क्लेवर के बाद भी जोड़ना पड़ेगा आपको एज, और ऐसे करके आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए मैं चलता हूं अब आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, एक बात मैं बता देता हूं क्वेश्चन पे चलने से पहले, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या लिखा मैंने, नो सूनर, मैंने चर्चा किया था पहले भी, एक बार फिर मैं चर्चा कर देता हूं। नो सुनर के साथ जो कंजक्शन आता है वो होता है देन, क्या होता है देन। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वेन लिख दिया जाएगा जो कि गलत है। कंजक्शंस का एक रूल होता है, कंजक्शंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आप जान लो कि कंजक्शंस आर फिक्स्ड, कंजक्शंस फिक्स होते हैं, वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ चेंज इन एनी टाइप ऑफ कंजक्शन, किसी प्रकार के कंजक्शन में किसी प्रकार के चेंज को नहीं ला सकते हैं। यानी हमारे पास जब नो सुनर आता है तो नो सुनर के साथ हम देन का यूज करेंगे, अगर आप नो सुनर के साथ वेन देखते हो तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देकर के समझाने की कोशिश करता हूं, नो सुनर हैड ही एंटर्ड द रूम When his son started to read, आपको पता चल गया यहां पर एरर क्या है। जी हाँ दोस्तों, नो सुनर से स्टार्ट हुआ है, यहां पर मैंने वेन लगाया, मैंने अभी अभी माना किया है कि नो सुनर के साथ वेन का कम्बिनेशन नहीं होता है, नो सुनर का कंजक्शन देन होता है, इसलिए आपको वेन को हटाना पड़ेगा यहां से और वेन की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा देन, और तब जाके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो, मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन है, नो सुनर डिड द सन राइज वेन वी टू के हार्शली ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। वेन को रिप्लेस करना पड़ेगा देन से, जैसे ही वेन को देन से रिप्लेस करोगे आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। अब सवाल उठता है कि एरर कहां पर है, तो एरर आपके बी पार्ट में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, योर आंसर इज बी। तो आप बड़ी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूं फिर आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन को देख करके समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पर चलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये देखो मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा हार्डली, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्डली के साथ आपको वेन का यूज करना पड़ता है, और देन अगर आ जाए तो गलत हो जाता है। नो सुनर के साथ जरूर आप देन का यूज करेंगे, लेकिन हार्डली के साथ आप देन का यूज नहीं कर सकते हैं।
हार्डली का कंजक्शन क्या होगा विल, और कंजक्शन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रूल की कंजक्शन और फिक्स कंजक्शन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं और आपको एरर पता चल जाएगा कि एरर कहां पर है। हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट, हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगन टू रेन। आप देख सकते हो हार्डली के साथ देन का प्रयोग किया गया है, क्या पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। द क्वेश्चन राइज व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी सी। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि देन का प्रयोग किया गया हार्डली के लिए जो कि गलत है, अनुचित है, आपको वेन का प्रयोग करना पड़ेगा। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करोगे बड़ी आसानी से कॉमन ईयर्स बनाना सीख जाओगे, कॉमन ईयर्स बनाना सीख जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, याद दीजिए विकास कुमार की इजाजत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉमन ईयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तब तक।